नेचर ऑफ फोर्सेस आर डिजाइन्ड टू हेल्प। यस, क्योंकि इसके बारे में बहुत सोचता हूँ पर जवाब नहीं मिला। आप क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं और विस्तार में, जिस दिन बातें समझ में आ जाएंगी सब बंद हो जाएगा। इसीलिए धार्मिक लोग बहुत कोशिश करते हैं कि ये सब ना समझ में आए किसी के और ये सब चलता रहे। उनकी पूरी कोशिश होती है क्योंकि जनता को उस अज्ञान में बांधे रखा जाए। जैसे ही लोगों को बातें समझ में आए सब खत्म, कोई उसके पीछे जाने वाला नहीं। बस इस बात को जो आप पूछ रहे हैं मैं कह रहा हूँ, इसको फिलहाल अपने दिल में बिठा लें, इसको फिर हम विस्तार बाद में देंगे कि द होल एग्जिस्टेंस इज डिजाइन टू हेल्प, सो नो नीड ऑफ प्रेयर। ये तो ठीक है, नो नीड फॉर, वो तो है, लेकिन क्या ये है कि द होल ऑफ दिस क्रिएशन इज डिजाइन टू हेल्प पीपल लाइक मी एंड हर एंड हर एंड हर। यस एग्जैक्टली, है एग्जैक्टली, एंथ्रोपोमॉर्फिक व्यू हो गया, ये इंसान का बनाया हुआ संसार हो गया। नो, नॉट एट ऑल। इसी पे जरा समझना, जो मैं कह रहा हूँ वो 100% ट्रू है, बिल्कुल ह्यूमनाइज नहीं है, ये ऐसे ही है। बस एक लास्ट सेंटेंस में आपको बस इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, बड़ा साइंटिफिक। अभी देखिए लोग हमको डराया जाता है कि आप ऐसी वाइब्रेशंस ऐसी वेव्स के चक्कर में होंगे तो आपके शरीर को ये डैमेज होगा, आप इस टावर के चक्कर में होंगे तो आपके शरीर को, लेकिन ये साइंस ने पाया कि ह्यूमन बॉडी लगातार अडॉप्ट करती जाती है और इवॉल्व करती जाती। कई एक एक्सपेरिमेंट किया गया चूहों पे, ह्यूमन बॉडी तो अडेप्टेबल है, आप देखिए नेचर हेल्प कर रही है, नेचर द होल नेचर एग्जिस्टेंस। तो नॉर्मल चूहा उसको फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर में रखने की कोशिश करी गई काफ़ी टाइम तक, तो एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि उसने जल्दी ही कुछ महीनों के बाद उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया और उसकी स्किन वैसी होने लगी जैसी ठंडी जगहों के जीवों में होती है, उसमें फर आने लगे, हेयर्स ग्रो करने लगे बड़े बड़े। अब ये जो ग्रोथ हो रही है इसको क्या कहेंगे, इंडिविजुअल या कॉस्मिक? ये कॉस्मिक है। कौन इंटेलिजेंस ये जानती है कि इसके ऊपर हेयर ग्रो हो जाने चाहिए जिससे इसको हेल्प मिलेगी, ये ठंड से बच जाएगा? चूहा नहीं सोच रहा है, चूहे के माइंड को नहीं पता कि अब बाल उगा लेते तो ठंड से बच जाते, इतना सोचने में चूहा नहीं सक्षम है, बट द होल एग्जिस्टेंस नोज। ऐसे ही जो भी है, हमको लगता है कि हम अलग थलग हैं लेकिन एग्जिस्टेंस केयर करती, जब नहीं करती तो हमको परेशानी होती कि देखो हमें बीमारी हो गई, एग्जिस्टेंस ने हमारी केयर नहीं करी। मेरा व्यू है कि उसमें भी वो केयर ही कर रही है, आगे पता चलेगा कि वो क्या केयर कर रही थी। ये बड़ा वाइड व्यू है। एक चीज महाराज जी की, मैं जो आपसे जो मैंने आपके बारे में सुना तो मुझे बहुत क्लियर है कि आपके केस में डेफिनेट बिल्कुल सही है, आपके केस में हर व्यक्ति के लिए तो हो सकता है नहीं है, हर व्यक्ति के केस में वही है। सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी पैदा हुई जब क्रिश्चियनिटी आई और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये सज्जन जो आए हैं ये चोजन वन है, चोजन वन, एवरी वन इज चोजन वन, एवरी वन, वही सज्जन नहीं, सब चोजन वन है, एवरी वन इज स्पेशल, आपको है महाराज, यू टू, आप भी हैं, हर कोई है। बहुत सी बातें मेरी कोशिश यही है कि यही बात सबको समझ में आ जाए कि एवरी वन इज स्पेशल।